सो लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस. तो अभी तक मैंने जो बताया है कि आप मोर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हो और मोर सर्कल से कैसे आप रेडियस निकालते हो, कैसे सिग्मा वन और सिग्मा थ्री की वैल्यू निकालते हो, तो अब यहाँ पे हम एक पॉइंट की बात करेंगे, वो है पोल कैसे निकाला जाता है. समझना, तो पोल क्या है बाद में जानते हैं, पहले तो मैं बताता हूँ. अभी तक हमने बताया कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया था, दैट पॉइंट वॉज ए वन एंड सेंटर से पास करती हुई यहाँ पे एक पॉइंट लिया था, दैट पॉइंट वॉज बी वन. ये ए वन रिप्रेजेंटेड सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई एंड दिस वन रिप्रेजेंटेड सिग्मा वाई वाई टाउ वाई एक्स. यानी कि मैंने कंसिडर किया था एक सॉइल एलिमेंट, समझ में आ रहा है, जिसपे नॉर्मल स्ट्रेसेस ऐड कर रही थी यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स और यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स, यहाँ पे सिग्मा वाई वाई एंड यहाँ पे सिग्मा वाई वाई. तो ध्यान से देखो ये क्या है, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन. क्या है ये, एक वर्टिकल प्लेन है. तो इस वर्टिकल प्लेन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं एक लाइन खींचने की कोशिश करूँ, समझ में आ रहा है, तो इट विल टच अ पॉइंट इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल. मैंने एक लाइन खींचा यहाँ पे, इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल मैंने एक यहाँ पे लाइन खींचा, तो इट विल टच अ पॉइंट हियर. और ये जो सिग्मा वाई वाई एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो जिस प्लेन पे एक्ट कर रहा है उसके पैरेलल इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, ये भी उसी पॉइंट पे टच करेगा, लेट इट दिस पॉइंट बी पी. ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं पी. ये पॉइंट पी क्या है, दिस इज नथिंग बट ओरिजिन, या फिर इसको कहते हैं पोल. क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ प्लेन्स, इसको ओरिजिन ऑफ प्लेन्स कहते हैं या फिर पोल कहते हैं, ओरिजिन ऑफ प्लेन्स या फिर पोल कहते हैं. यानी कि कोई भी प्लेन हो वो इस पॉइंट से ओरिजिन करेगी, कोई भी प्लेन हो वो इस पॉइंट से ओरिजिन करेगी. यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हमारी जो फेलियर प्लेन है वो भी तो इस पॉइंट से ओरिजिन करेगी, है कि नहीं, इस पॉइंट से ओरिजिन करेगी. तो वो पॉइंट, वो प्लेन मान लो ये है जो पॉइंट एफ सिग्मा टाउ से रिप्रेजेंट होती है, तो दिस इज द फेलियर प्लेन. जो ये पॉइंट है ये भी इस पॉइंट से ओरिजिन करती होगी, समझ में आ रहा है. सो दिस रिप्रेजेंट्स द पोल या फिर ओरिजिन ऑफ प्लेन. तो इस बात को अपने दिमाग में रख लेना. तो कैसे, पोल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ेंगे इट ऑल डील्स विद द पोल. अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी. अब लेट अस कंसिडर एन एलिमेंट. ये एक एलिमेंट है, सॉइल एलिमेंट, जिसकी साइड्स ही प्रिंसिपल प्लेन्स है. याद रखो मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी इसकी जो साइड्स है वो प्रिंसिपल प्लेन्स है. यानी कि इस पे जो स्ट्रेसेस एक्ट करेंगी वो कैसी स्ट्रेसेस होंगी, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. समझ में आ रहा है. तो ये अगर ये जो फिगर है ये एक सॉइल एलिमेंट है, समझ में आ रहा है, सॉइल एलिमेंट की फिगर है. तो इस पे जो स्ट्रेसेस एक्ट करेंगी, ये सिग्मा वन मान लो कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन इस पे एक्ट कर रही है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इस पे एक्ट कर रही है, और सिग्मा थ्री जो है इस तरफ एक्ट कर रहा है. यानी कि सिग्मा वन यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिस प्लेन पे, ये वाली प्लेन पे एक्ट कर रहा है, तो ये वाली प्लेन जो बन जाती है हमारी मेजर प्रिंसिपल प्लेन बन जाती है, समझ में आ रहा है. और वाइस वर्सा, यानी कि सिग्मा थ्री जिस पे एक्ट करेगा या फिर एक्ट कर रहा है वो क्या है, ये हमारी जो है दिस इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन. समझ में आ रहा है, ये क्या है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन. अब उसके करस्पॉन्डिंग आप सोच रहे होंगे वो क्या मैंने ड्रॉ कर दिया, ये एक मोर सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल तो नहीं कह सकता. तो ये वाली एक्सट्रीम पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगी, सिग्मा वन रिप्रेजेंट करेगी, लेट इट बी पॉइंट ए, समझ में आ रहा है. और ये वाली जो पॉइंट होगी वो कितनी होगी, सिग्मा थ्री होगी, दिस विल बी आवर सेंटर सी, समझ में आ रहा है. अब देखो कि सिग्मा वन यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसके पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूँ एक लाइन, तो ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगा, ये लाइन यहाँ से जाएगी और यहाँ पे टच होगी सर्कल पे किसी पॉइंट पे, क्योंकि मुझे पोल निकालना है. याद करो अभी मैंने बताया पोल निकाला कैसे जाता है, जिस प्लेन पे एक्ट कर रही होती है वो स्ट्रेस, उस प्लेन के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हो और वो जिस दूसरे पॉइंट पे टच करेगी सर्कल पे, दैट रिप्रेजेंट्स द पोल. तो ये निकलेगी, अगर पॉइंट बी है
तो यहां पे ही होगी हमारी पोल, क्योंकि यहां पे ये टच करेगी। समझ में आ रहा है? दिस इज अ पोल। अब देखो ये क्या है, दिस मच इज सिग्मा थ्री एंड ये जो कंप्लीट है दिस मच इज सिग्मा वन। समझ में आ रहा है? अब ये जो है हमारा सेंटर टू दिस मच, दिस रिप्रेजेंट्स आर मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दिस रिप्रेजेंट्स आर मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड दिस विल रिप्रेजेंट आर माइनर प्रिंसिपल प्लेन। इसको याद रखो, इसको कहते हैं माइनर प्रिंसिपल प्लेन। अब ये सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जिस पॉइंट पे टच करता है उसको नाम दो जी। उसको क्या नाम दो? जी दो। इसको याद रखना है। उसके बाद आप क्या करो कि इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। इससे हम क्या करते हैं, एज यूजुअल एक प्लेन लेते हैं एमएन, जो कि हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल अल्फा होगा। तो अगर ये प्लेन है एमएन, तो इसके पैरेलल हम लोग एक ड्रॉ करेंगे लाइन विच विल बी एट एन एंगल अल्फा, और ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं पोल से एट एन एंगल अल्फा, वो टच करेगी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को अभी मैंने बताया नाम दे सकते हैं एफ, विच विल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स सिग्मा एंड टाउ। इतना समझ में आया? तो अगर आप ज्योमेट्री के हिसाब से जाओ तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये सिग्मा बना रही है विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो सेंटर से ये कितनी बनाएगी, दिस विल मेक डबल दैट एंगल, मतलब टू अल्फा बनाएगी। ये ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ रहा है? और ये अगर मान लो कि दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ओ, नॉट ओरिजिन ऑफ द प्लेन्स बट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है? पोल है। दिस इज ओरिजिन ऑफ प्लेन्स। इस पॉइंट से प्लेन की ओरिजिन होती है। तो यहां से पहले माइनर प्रिंसिपल प्लेन बना, फिर मेजर प्रिंसिपल प्लेन बना। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या हो रहा है, यहां से इस एफ पॉइंट तक अगर मैं टच कराने की कोशिश करता हूं, कर दिया भी, दिस रिप्रेजेंट्स द एंगल, ये जो एंगल रिप्रेजेंट करेगा यहां पे, दिस लेट इट बी बीटा। क्या है ये? लेट दिस एंगल बी बीटा। समझ में आ रहा है? अब ये जो पॉइंट जी है, इस पॉइंट को पोल के साथ टच करवाओ। दिस दिस ये जो प्लेन बनी ना यहाँ पे, याद रखना ये जो प्लेन बनी यहाँ पे, दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। और आप पूछोगे मैंने किस हिसाब से कह दिया कि दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, क्योंकि इस पॉइंट पे आप अगर देखो तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो शियर शेयरिंग स्ट्रेस है, दिस इज द मैक्सिमम। इससे ज्यादा शेयरिंग स्ट्रेस और किसी पॉइंट में आपको नहीं मिलेगा, एंड दैट पॉइंट इज डायरेक्टली अबव द सेंटर। समझ में आ रहा है? तो दिस इज यहाँ से जो प्लेन बनता है पोल से लेके यहाँ तक, दैट इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर। तो मुझे लगता है ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, इतना तो मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगर इसी प्लेन को मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, फॉर दैट कि यहाँ पे तो आपको हॉराइजेंटल और वर्टिकल मिल रही है प्लेन्स, अगर मेजर प्रिंसिपल प्लेन्स और माइनर प्रिंसिपल प्लेन्स हॉराइजेंटल ना हो, यानी कि मैं एक जनरल केस में यहाँ पे एक जनरल केस लाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा देखना आप। तो अब मैंने फिगर को चेंज कर दिया है, वही चीज है, कॉन्सेप्ट तो वही है, पर ये जो है उनको जनरल केस डिराइव करने में मजबूर कर देगी। तो ये देखो ये वाली जो है ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर जो है दैट इज द माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे सिग्मा थ्री एक्ट करता है, दैट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट करता है। तो याद करो अभी जो फिगर बनाया था, तो जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन था दैट वाज हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ किया था एमएन, व्हिच वाज एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये एमएन जो है दैट इज एट एन एंगल अल्फा विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। समझ में आ रहा है? वहां पर हॉरिजॉन्टल जो था वो था मेजर प्रिंसिपल प्लेन, वो हॉरिजॉन्टल। तो विद रेस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन दिस इज एट एन एंगल अल्फा। तो अब जो मैंने मोर सर्कल ड्रॉ किया है या फिर सेमी सर्कल, वॉट एवर यू कॉल इट, तो इसको मैं पूरा कर देता हूँ। दिस इज द पॉइंट ए विच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम सिग्मा वन, ओके जीरो, एंड दिस इज द पॉइंट बी विच रिप्रेजेंट्स सिग्मा थ्री जीरो, यानी कि ये जो है सिग्मा थ्री के बराबर है, एंड दिस वन इज सिग्मा वन। समझ में आ रहा है? अब दिस इज माई सेंटर सी। समझ में आ रहा है? अब मैंने कहा पोल को हमें ढूंढना है, पोल कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे सिग्मा वन एक्ट करता है, तो दिस प्लेन जिस पे वो एक्ट कर रहा है उसके पैरेलल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से सिग्मा वन से। तो
तो इसके पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूं, ये कुछ इस तरह से आएगा और इट विल टच ए पॉइंट हियर, समझ में आ रहा है? उसी हिसाब से यहाँ पे जो ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, दिस इज द माइनर प्रिंसिपल प्लेन, तो इसके पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये इस तरह से कुछ होता हुआ वो भी इसी पॉइंट पे जाके ज्वाइन करेगा एंड दैट विल गिव अस द पोल पी, ये हमें पोल देगा, समझ में आ रहा है? अब MN जो है वो इट इज एट एन एंगल अल्फा, तो ये जो MN है ये फेलर प्लेन दर्शाता है, सो दैट MN जो है दैट इज एट एन एंगल अल्फा विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, सो दिस इज माय मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ये क्या है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन है कि नहीं? दिस इज आवर मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो अभी मैंने बताया जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से मेरी एंगल जो MN प्लेन है वो कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे, तो ओरिजिन यानी कि ओरिजिनल प्लेन या फिर पोल से एट एन एंगल अल्फा मैं एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ जो जाके ज्वाइन करेगी एट ए पॉइंट एफ, जिसकी कोऑर्डिनेट सिग्मा और टाउ ले सकते हैं, इट विल बी एट एन एंगल अल्फा, समझ में आ रहा है? एंड ये अगर अल्फा है तो अभी मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री, अगर किसी भी पॉइंट सर्कमफेरेंस पे अल्फा एंगल बनाती है वही पॉइंट सेंटर पे उसकी डबल एंगल यानी कि टू अल्फा बनाएगी, सो दिस मेक्स एन एंगल टू अल्फा, समझ में आ रहा है? अब यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस इज माय एंगल बीटा, दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज एंगल बीटा, समझ में आ रहा है? ये जो एंगल बीटा है दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, क्या है? दिस इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, समझ में आ रहा है? इसको याद रखना, दिस इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। एंड अब मैं क्या करके लिखता हूं, अब याद करो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये जो फेलियर प्लेन की एक्सप्रेशन को हम एज ए फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लिख सकते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लिख सकते हैं, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे कोई शियरिंग स्ट्रेस नहीं होता, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब मैं अभी एक्सप्रेशन लिखूंगा फॉर दिस टाउ, फॉर सिग्मा एंड टाउ, इस सिग्मा एंड टाउ के लिए उसमें कोई भी टाउ एक्स वाई की एक्सप्रेशन होगी ही नहीं, देर विल बी नो एक्सप्रेशन फॉर शेयरिंग स्ट्रेस, समझ में आ रहा है? तो इसको याद रखो क्योंकि मैंने ये चीज पहले ही बताई थी, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, जैसे कि जनरल एक्सप्रेशन है मैं जानता हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है? सिग्मा इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था इससे पहले, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू कॉस टू अल्फा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू अल्फा, है कि नहीं? इस तरह से। पर जब मैं फेलियर प्लेन के बारे में लिखूंगा अभी विथ रेस्पेक्ट टू, हम किससे निकाल रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन्स, तो ये वाली जो चीज है ना ये नहीं होगी, ये वाली एक्सप्रेशन आपको नहीं दिखेगी बिकॉज प्रिंसिपल प्लेन्स पे कोई शेयरिंग स्ट्रेस एक्ट ही नहीं करता। तो जब आप लिखते हो किसी भी फेलियर प्लेन पे उस पर नॉर्मल लोड के हिसाब से लिखते हो, ठीक है, उसी तरह से टाव पे भी अप्लाई होता है बिकॉज वी नो दैट टाव इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू साइन टू अल्फा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू अल्फा, समझ में आ रहा है? इसमें भी ये वाली एक्सप्रेशन नहीं रहेगी, तो बचेगा सिर्फ ये चीज। तो मैं लिखता हूँ एनालिटिकली इसको, अच्छा नीचे लिख देता हूँ, एनालिटिकली यू कैन राइट सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स के बदले में लिख सकता हूँ सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री है यहाँ पे अपॉन टू, बिकॉज प्रिंसिपल प्लेन के हिसाब से लिख रहे हैं, प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री अपॉन टू कॉस टू अल्फा, एंड मेरी जो टाउ होगी वो कितनी होगी, इट विल बी सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री अपॉन टू साइन टू अल्फा, समझ रहे हो? इतना तो क्लियर हो चुका होगा। एंड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी विल बी इक्वल टू, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कितनी होगी, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यहाँ पे वाई क्या है, इट इज टाउ अपॉन सिग्मा, ठीक है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी विल बी टेन इनवर्स टाउ बाई सिग्मा। और एक चीज आखिरी में बताना चाहता हूं, तो पॉइंट जी होता है, ठीक है, सेंटर के ऊपर, ठीक, ये जो पॉइंट जी होता है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो पॉइंट जी है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं पॉइंट जी, टाउ मैक्स लिख सकता हूं, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री अपॉन टू, यानी कि सेंटर की कोऑर्डिनेट जितनी होगी उसके बराबर, ठीक है, अपॉन टू, एंड इट
occurs on planes with alpha is equal to 45 degree. अगर आप देखना यहाँ पे tau जो है tau max कब होगा? Tau max will be this will tau will be tau max जब sine 2 alpha की value सबसे highest कितनी है 1 है. तो ये complete value जब 1 हो जाती है तो ये complete value जब 1 हो जाएगी समझ में आ रहा है ये sine 2 alpha will be 1 तो tau max कितने आओगा it will be sigma 1 minus sigma 3 upon 2 समझ में आ रहा है. तो यानी कि sine 2 alpha 1 होने का मतलब है sin 90 degree. तो sin 2 alpha is equal to sin 90 degree. यानी कि 2 alpha कितने के बराबर 90 degree. यानी कि alpha कितने के बराबर 45 degree. तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. So with planes with alpha equal to 45 degree समझ में आ रहा है. And the normal stress इस plane पे normal stress कितनी होती है? The normal stress on this plane is equal to sigma 1 plus sigma 3 by 2. इसमें normal stress भी कितना होता है? Sigma 1 plus sigma 3 by 2. क्योंकि cos 90 degree 0 के बराबर होता है. समझ में आ रहा है? It will be sigma 1 plus sigma 3 by 2. तो इस चीज को आप याद रखो. जो जो चीजें मैंने बताई है. Next topic हम अभी शुरू करेंगे. That is more Coulomb failure theory. So let's start more Coulomb failure theory. So let us start the more Coulomb failure theory. तो more Coulomb failure theory जो था दोनों ने दिया था more साहब ने और Coulomb साहब ने. तो बारी बारी करके पढ़ेंगे दोनों में क्या डिफरेंस था जो दोनों ने माना था. So before that let us read these three sentences. पहली जो चीज है वो लिखी गई है कि material fails essentially by shear. जो material fail करता है ये मान के चले थे कि shear के वजह से fail करता है. समझ में आ रहा है. And the critical shear stress causing failure depends upon the properties of the material as well as normal stress on the failure plane. जो failure plane पे normal stress act करती है और जो material है उसकी property के ऊपर depend करता है the critical shear stress. The ultimate strength of the material is determined by stresses on the potential failure plane or plane of shear. जो ultimate strength होगा material का वो किससे determine होता है? That is determined by the stresses on the potential failure plane या फिर इस failure plane को plane of shear भी कहा जाता है because वहीं से तो movement होता है. ठीक है. The intermediate principal stress जो कि sigma 2 है जो मैंने बताया था that has no influence on failure. मतलब that does not influence failure. Failure criterion के ऊपर इस intermediate principal stress का ज़्यादा कोई effect देखने को नहीं मिलता. So these are some of the essential points of Mohr's strength theory. जो Mohr's strength theory था, उसके आधार पर Mohr जी ने ये सब चीजें बताई थी. तो ये जो Mohr's strength theory है, इसको मैं बता रहा हूँ. ये जो theory है Mohr's strength की, ये एक expression में हम लिख सकते हैं. We can express the theory. And that expression is, I'll tell you, वो expression है, tau f is equal to s is equal to a function of sigma. यहाँ पर tau f, this is the expression. So the theory can be expressed algebraically by this equation. That is the Mohr strength theory. यहाँ पर tau f is equal to s is equal to the shear stress of failure plane. Failure plane पे जो shear stress है, that too at failure, जब failure हो रहा हो तब at failure. And this can also be written as is equal to shear resistance of the material. इसको हम शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल भी कह सकते हैं, ऑफ द मटेरियल. उसके बाद जो ये एफ ऑफ सिग्मा, दिस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस. तो इन्होंने कहा जो शेयर रेजिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस. वही तो सेंटेंस में लिखा गया था. जो सेंटेंस मैंने लिखा था उसमें क्या लिखा गया था कि जो फेलियर होता है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल लोडिंग या फिर नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन. समझ में आ रहा है. सो
अगर इस पे हम एक कर्व ड्रॉ करें, समझ में आ रहा, टाओ और सिग्मा के थ्रू पे हम एक कर्व ड्रॉ करें तो हमें एक एनवलप मिलेगा, और जो एनवलप मिलेगा इसको कहते हैं स्ट्रेंथ एनवलप। जो कर्व डेवलप होगा इसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेंथ एनवलप, समझ में आ रहा। तो टाओ वर्सेस सिग्मा पे हम जब कर्व ड्रॉ करेंगे, अगर हर अलग अलग पॉइंट्स पे एक कर्व मिलेगा और उस कर्व जो यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा उस कर्व को कहते हैं स्ट्रेंथ एनवलप। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ एनवलप। तो कुलम साहब ने ये कहा, व्हाट कुलम सेड वाज कि जो एफ ऑफ सिग्मा है, कुलम साहब ने ये कहा, दिस इज अबाउट कुलम, ठीक है। कुलम डिफाइंड एफ ऑफ सिग्मा एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ सिग्मा। इन्होंने क्या कहा, ये जो फंक्शन है ये एक लीनियर फंक्शन ऑफ सिग्मा है। कुलम डिफाइंड एफ ऑफ सिग्मा एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ सिग्मा एंड गेव द इक्वेशन, स्ट्रेंथ इक्वेशन एज एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। तो इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन दे दी दैट एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, ठीक है। वेर सी क्या है? सी इज नथिंग बट इट इज द इंटरसेप्ट ऑन शियर एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन शियर एक्सिस, या फिर इसी को कहा जाता है, रिमेंबर दिस इज कोहेशन। ये बहुत काम की चीज है, बाद में आएगी, इसको याद रखना। सी डिनोट्स कोहेशन, ठीक है। एंड फाई जो है वो क्या है? हियर फाई इज स्लोप, और वी कैन से एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इसको हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कह सकते हैं, और शेयरिंग रेजिस्टेंस। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और शेयरिंग रेजिस्टेंस। तो इस पे जो कर्व हम ड्रॉ करेंगे, जो कुलम साहब ने इसको स्ट्रेट लाइन मान के चला, तो यहां से जो कर्व ड्रॉ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। दिस इज माय टाओ, दिस इज माय सिग्मा, समझ में आ रहा है। तो ये मान के चले जो कर्व आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, एंड दैट स्ट्रेट लाइन विल बी एट एन एंगल ऑफ हाउ मच, एट एन एंगल ऑफ फाइव, दिस इज दैट एंगल फाइव, और ये जो इंटरसेप्ट बना रहा है दिस इज द इंटरसेप्ट सी, ठीक है। ये है ओरिजिन ओ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। अब किसी पॉइंट पे जो पॉइंट डिनोट कर दी है, सपोज दिस इज द पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है दिस इज टाओ एंड सिग्मा, एंड दिस रिप्रेजेंट्स आर एस, दिस रिप्रेजेंट्स आर एस। सो दिस फिगर डिनोट्स द कूलम एनवेलप। ये क्या डिनोट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स आर कूलम एनवेलप, एनवेलप। रिमेंबर दिस, कूलम साहब ने क्या कहा, ये जो फंक्शन है दिस इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ सिग्मा, एंड फॉर दैट रीजन ही गिव द इक्वेशन एस इज सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, जहां पे सी जो है वो कोहेशन है, फाइव इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंड ये कूलम एनवेलप है। अब कूलम साहब इसको स्ट्रेट लाइन मान के चले, पर मोर साहब ने क्या कहा वो बताता हूं मैं आपको, व्हाट मोर सेड अस, इसको बता रहा हूं, ठीक है। मोर ने माना कि ये जो लीनियर बता रहे हैं कूलम, ये लीनियर नहीं, इट इज नॉन लीनियर। व्हाट मोर सेड वाज नॉन लीनियर, और मोर एनवेलप वाज समथिंग लाइक दिस, टाउ सिग्मा एंड मोर एनवेलप वाज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से था मोर एनवेलप, समझ रहे। तो इस मोर सर्कल को टच करता हुआ इस तरह से, तो ये था कुछ मोर एनवेलप। सो इट वॉजेंट अ लीनियर, इट वॉज लीनियर फॉर सम पार्ट, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इट वॉजेंट लीनियर। तो मोर थ्योरी इंडिकेट्स द रिलेशन इज नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर मान के चले, बट वी कैन राइट curved failure envelope of Moore is often referred to as straight line, mostly इसको straight line मान के चलते हैं, for
most of calculations. कैलकुलेशंस के लिए हम इस एनवेलप को स्ट्रेट लाइन मान के चल सकते हैं. वी कैन कंसीडर इट टू बी अ स्ट्रेट लाइन. तो किसी पॉइंट पे दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स एस एज अ फंक्शन ऑफ सिग्मा एंड दिस रिप्रेजेंट्स सपोज सिग्मा. समझ में आ रहा है? सो ये जो था दिस फिगर रिप्रेजेंट्स द मोर एनवेलप. दिस इज मोर एनवेलप. तो कूलम एनवेलप और मोर एनवेलप में ये डिफरेंसेस थी. जो कूलम थे वो उसको स्ट्रेट लाइन मान के चले, लीनियर फंक्शन मान के चले, और इन्होंने कहा इट इज नॉट लीनियर बट इट इज नॉन लीनियर. ठीक है. अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आती है कि आप एनवेलप ड्रॉ करो फॉर दीज केसेस एंड दीज स्पेशल केसेस आई विल ड्रॉ टू मोर एनवेलप्स. पहली जो केस है, आपको अगर पूछा जाए कि ड्रॉ एन एनवेलप फॉर आइडल प्योर फ्रिक्शनल मटेरियल, आइडल प्योर फ्रिक्शन मटेरियल के लिए जो एनवेलप होता है वो ओरिजिन से पास करके एक स्ट्रेट लाइन होता है. समझ में आ रहा है? दैट इज एट एन एंगल फाइव, दैट इज एट एन एंगल फाइव. सो दिस रिप्रेजेंट्स एन आइडल प्योर फ्रिक्शन मटेरियल. आइडल प्योर फ्रिक्शन मटेरियल के लिए ये एनवेलप होता है, स्ट्रेंथ एनवेलप. एंड अगर डेंस सैंड्स हुआ तो ये जो है थोड़ा सा इससे कर्व हो जाएगा. दिस रिप्रेजेंट्स फॉर डेंस सैंड्स. समझ में आ रहा है? डेंस सैंड्स के लिए थोड़ा सा इससे डिविएट होके थोड़ा सा कर्व पोर्शन आएगा फॉर डेंस सैंड्स. समझ में आ रहा है? बट अगर प्लास्टिक मटेरियल के लिए हो तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल के लिए जो है इट इज लाइक दिस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल यानी कि सिग्मा एक्सिस. इट डज नॉट डिपेंड और सिग्मा, आप जितना भी बढ़ाओ सिग्मा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज फॉर प्लास्टिक मटेरियल. दिस इज फॉर प्लास्टिक मटेरियल. समझ में आया? दिस इज सी, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल में तो कोहेशन होगा ही. समझ में आ रहा है? सो द स्ट्रेंथ ऑफ सच अ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ फेलियर. इस ऐसे मटेरियल के लिए नॉर्मल स्ट्रेस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती फेलियर. समझ में आ रहा है? तो इसको ध्यान में रखना. इस पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रिकी क्वेश्चंस. सो लास्ट सेंटेंस आई कैन राइट, इट कैन देयरफॉर बी कंक्लूडेड, इट कैन देयरफॉर बी कंक्लूडेड दैट मोर एनवेलप कैन बी कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई is assumed to be constant. अगर इसको हम constant मान के चले तो जाहिर सी बात है अगर इसको मैं constant मान के चलूं तो ये जो है मेरी straight line आएगी. समझ में आ रहा है? तो for that purpose we can consider more envelope to be a straight line. So depending upon the properties of the material the failure envelope differs. ठीक है. तो यहाँ पे खत्म होता है more coulomb failure theory. तो इस थ्योरी को याद रखना, इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है. एंड होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी. फिर भी मैं कहता हूँ ऑलवेज कीप ऑन रीडिंग द बुक्स, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं पढ़ते तब तक आपकी चीज़ें जो है टिट बाय बिट आपको पता नहीं चलता. सो मैं तो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ लेकिन आपको हर एक चीज़ जानने के लिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.